करे। हम ये इस ग्रुप की गाड़ी में ये हमारे साथ है और ये श्रद्धांजलि ग्रहण करने आए हैं। मैं क्यों कहूँगा कि विजय कुमार फूल जो एडवोकेट हैं जिनकी डेथ हो गई है, ताज हुसैन शाह, ये महेंद्र प्यासा साहब, ये रैना साहब, ये मारूफ साहब, इन लोगों के साथ बैठ के काम करते थे। एक बार वो सचिन जी जम्मू में थे तो मैं और लाल सैन मुश्ताक क्योंकि उनके सीनियर थे, वो उस्ताद थे, तो हम उनके घर उन्होंने खान में बुलाया जो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा सर। तो बैठे हुए थे तो कहने लगे कि बात है ये कि मैंने एक जजमेंट लिखी है कत्ल केस पे। लाल सैन का हिसाब करने लगे तो आप इसको पढ़ें देखें ये कैसी है। तो मैंने कहा जनाब ये जजमेंट अभी नोश नहीं किया तो आप हमें क्यों बता रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं। आप कल पुणे चले जाओगे लेकिन मुझे कोई मेरा उस्ताद जो गलती निकाल दे, कोई गलती तो नहीं है इसमें, सही है जो लाल सैन मुश्ताक उसके बारे में कह रहे हैं। कल जजमेंट बड़ी अच्छी थी, वेल वर्डिक्ट थी, वो रेफर पे आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक कायम थी, कतल केस था कोई। तो कहने का मतलब है कि ये इतने इंटेलिजेंट थे, दूरंदेश थे, सबसे बड़ा नजराना की। तो और ये मैं भी कहता चलूँ संजय साहब के जुडिशरी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। इस लिहाज से अगर चीफ जस्टिस उस वक्त डेथ हुई थी जुडिशरी में सही जज की, उनका आना बड़ा ज़रूरी था, किसी जज का आना बड़ा ज़रूरी था। और हमने इसकी रिजेंटमेंट भी की और बाद में गए मिले भी वक्त में। जब भी कोई भी आदमी जब मिलिटेंटों की शिकार हो जाता है, वो वायद आदमी है कि जिस विजय कुमार फूल जिसके लिए बीबीसी लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ जर्मनी, पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ है कि एक शासन जज जाओ वो शहीद हुआ है मिलिटेंटों के हाथों। आज तो शेख अब्दुल्ला का कोई जन्मदिन भी है लोग उसको याद नहीं करते लेकिन विजय कुमार फूल को याद करते हैं। सबसे बड़ा नजराना किधर ये होगा जिस भाईचारे के लिए, जिस इतवा के लिए, जिस इतिहाद के लिए वो काम किया करते थे, अमन के लिए, शांति के लिए, बड़े दूरंदेश थे वो। और उन्होंने एज ए जज भी काम किया, एज ए सोशल भी यहाँ पे काम किया, उनके वालिद ने भी काम किया, उनकी फैमिली ने भी काम किया। आज ज़रूरत इस बात की है कि उनके नक्शे कदम पर चला जाए। उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि वो यहाँ पे मिलके उसकी यादों को उनको ताज़े कर, उनकी फैमिली के उनके साथ इजहार हमदर्दी उनके साथ रहा जाए, उनके बच्चे के साथ रहा जाए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नजराना यही कि होगा जाय साहब आपका और ख़ासकर म्यूनसिपल्टी का मैं शुक्रिया अदा करते हैं कि ये दिन वो काम बना रहे हैं, हर साल बनाते हैं और आप जजेज हजरात आते हैं और ये पहला दिन है कि आप तमाम पूरे जजेज और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आई है, इनका भी हम आपका शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पैसे के लिए मैंने उनको देखा कभी लगाव ही नहीं रहा कि पैसे लेने हैं, कोई दे गया ठीक है, नहीं दे गया कहते गुरु साहब इसको छोड़ो ये चलता है नहीं। वहाँ पे भी हम इकट्ठे जाते थे तो कहते यार ये पढ़ लेंगे। अभ्यक्त निदेनानी है तत्र का परिदेवना, जो इस दुनिया में आया है उसने जहाँ से जाना है, कहते मतलब ही वॉज नोन फॉर हिज बेनिवोलेंस एंड डायनामिज्म, ही वॉज ए डायनामिक जज, बैलेंस्ड जज, ही हैड एवर बीन इनकर्जिंग द यूनियर्स, कन्विंस मी एंड गेट द रिलीफ, गो फर्स्ट स्टडी योर केस, कम बिफोर मी, यू विल गेट द रिलीफ। ऐसे लोग मतलब बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ श्री बी के फूल साहब, इट इज़ नॉट ओनली अ लॉस टू द फैमिली ऑफ द लेट श्री विजय फूल बट ए ग्रेट लॉस टू द जुडिशरी, जुडिशियल फ्रेटर्निटी, बिकॉज हैड ही बीन अलाइव डेफिनेटली ही वुड हैव रीच द एल्डोरेडो, ही वुड हैव अटेन द डेस्टिनेशन, एटलीस्ट ही शुड हैव बीन द हाई कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, इफ नॉट सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब इस पुंछ जैसी जगह से मतलब विजय फूल साहब का यहाँ से निकलना ये कोई छोटी बात नहीं है, और दैट टू एज ए डायरेक्ट सेशन जज। मैं तो ये कहता हूँ फूल साहब जहाँ भी हैं वो अमर रहें, बस जिस दुनिया में भी हैं उनके लिए जितने अल्फाज कहें जाए वो कम है।
साहब से मेरा साथ 1985 से, दोस्त भी थे, मैं उनसे शादी का दोस्त भी रहा। उस शाम आखिरी फोन भी उन्होंने मेरे को है कि आप सुबह कोर्ट पे आओ, हमें चलना है। मैं सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचा तो विनिंग कैंपस, तो मेरे को किसी ने बताया कि आप वेट किस कर दो। मैंने कहा किसी ने आने, वो एक्चुअली समझ गए कि ये उनके दोस्त हैं। उन्होंने कहा ऐसा पूर साहब का हमारा साथ जो रहा एज ए लॉयर, फार एक्सीलेंट लॉयर, नेचुरल ह्यूमन बींग, ए कंप्लीट मैन। जैसे हम अलामा इकबाल कहते हैं कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। ही वाज डाउन टू अर्थ, और कभी एडवोकेट भानुप्रताप, बताइए भानु जी आज जो प्रोग्राम डिफ्यूज है। मैं एडवोकेट भानु प्रताप, आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुंछ में आज हर साल की तरह एक ट्रिब्यूट फंक्शन हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सेशंस जज जो उस टाइम के हमारे जो फूल साहब हैं श्री विजय फूल साहब, मैं कहूँगा पुंछ के हर बाशिंदा जो है उनसे रिलेट करता है कि उनके उन पे आज ही के दिन 5 दिसंबर को एक टेररिस्ट अटैक में उनकी मृत्यु हुई थी, और मैं ये कहूँगा कि वो शहीद हुए। और हमारे पुंछ के डिस्ट्रिक्ट पुंछ के वो पहले जो जिसने हायर जुडिशरी ऑफिसर, एक ऐसे हायर जुडिशरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले पहले ऑफिसर थे। पूरे पुंछ के लोग ये इस बात से इतफाक़ रखेंगे कि बगैर मजहब मिलत कोई भी अगर उन्हें मिलने जाता जहाँ जहाँ वह पोस्टेड रहे, तो उन्हें अपनी कुर्सी से उतर के अपने कैबिन में बुला के गले लगा के मिलते थे। उन लोगों के काम करना बहुत ही वो नरम दिल रखते थे। आज उनके परिवार के साथ बार एसोसिएशन पुंछ, और साथ में मैं खसूसी तौर पर कहूँगा जिसमें जुडिशरी हमारे प्रिंसिपल सेशन जज साहब और उनकी पूरी टीम, हमारे SSP साहब उनकी पूरी टीम, हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ उनकी पूरी टीम, वकला उनकी फैमिली और आम लोग जो हैं वो यहाँ पे आज उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके फैमिली को हिम्मत दे वो इस सदमे से। यहाँ पे दिन मनाया गया इसके आज से मिसाल सकते हैं। देखिए आज ही के दिन 2001 में कई साल पहले जो है विजय कुमार फूल जी जब छुट्टी थी तो वो अपने घर आ रहे थे, और सरकमस्टांसेस क्या थे किसी को मालूम नहीं है। और जब वो देरा गली मकाम पर पहुंचे तो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई जिसमें 2-3 लोगों की जान चली गई थी, और उनकी मौत से जुडिशरी में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। वो पहले एक ऐसे इंटेलेक्चुअल डायरेक्ट सेशन जज थे जिन्होंने डिफरेंट कोर्ट्स में काम किया, और करीबन ही वो एलिवेट होकर हाई कोर्ट जज बनने जा रहे थे, और उसके बाद वही उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने जिन्होंने जुडिशरी में अपना नाम पैदा किया। डायरेक्ट सेशन जजेस हमारे कुंज से भी बहुत से बने, और हमें चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की और अपना नाम रोशन किया, तो हमें उन्हीं के बनाए हुए असूलों पर चलना चाहिए ताकि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो हमारे यंग लायर्स हैं, वो भी मेहनत करें, और जो मुकाम उन्होंने उस छोटी उम्र में हासिल किया था वो भी उस मुकाम तक पहुंच सके। थैंक यू जी।